हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन जैम। आज हम एक ग्लीस मावा केक बनाने जा रहे हैं। दो तरह से बनाएंगे, ओवन में भी बनाएंगे और कढ़ाई में भी बनाएंगे। ये केक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है और बहुत ही कम सामान में बनाएंगे हम। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बोल लेंगे और बोल में डालेंगे 1 कप घी और ग्राम में नापें तो ये 150 ग्राम है। और इसके बाद में डालेंगे 1 कटोरी चीनी पाउडर, ग्राम में नापें तो 250 ग्राम है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी और घी को। मक्खन की तरह अच्छे से फ्लफी हो जाना चाहिए, तब तक हम मिक्स करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 3-4 मिनट लगेंगे ऐसे करते हुए। तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टाइप बन गया है ये हमारा जो घी और चीनी है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 गिलास दूध, ना गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मल लिया है मैंने। नाप में यह है 125 मिलीलीटर है यह दूध। अब अच्छे से दूध को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर दूध मैंने 1/2 गिलास ही डाला है, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में डालेंगे, नहीं तो इसी से काम चल जाएगा। दूध मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे मावा यानी खोया, ग्राम में नापें तो ये 200 ग्राम है। तो यह मेरा घर में बनाया हुआ है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है अच्छी तरह से। इसके बाद में 2 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे फ्लेवर के लिए और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मावा को भी मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पर छलनी ले लेंगे और छलनी में 1 कटोरी मैदा डालेंगे और ये ग्राम में 150 ग्राम है। और इसके बाद में डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। और इसके बाद में डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच इलायची पाउडर यानी कूटी हुई इलायची है ये, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस मिक्स ही करना है सारी चीज़ों को, अब फेंटना नहीं है। ज़्यादा देर फेंटेंगे तो मावा केक अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी हमारी मावा केक की, जैसे हम इडली वगैरह बनाते हैं ना वैसा ही पेस्ट होता है इसका। तो आप देख सकते हैं मैंने दूध और यूज नहीं किया है, बस जो पहले डाला था 1/2 गिलास वही डाला है। तुम्हारा पेस्ट रेडी है। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड कप लिए हैं, अगर आपके पास इस तरह के नहीं हो तो आप कोई भी कप कटोरी ले सकते हैं। यह हम कढ़ाई में बनाएंगे यानी गैस के ऊपर, तो इनके अंदर सबके अंदर थोड़ा बर्स की सहायता से घी लगा दें ताकि चिकने हो जाएं। वैसे तो ज़रूरी नहीं है घी लगाने के लिए, लेकिन फिर भी लगा दें ताकि केक आसानी से निकले। अब हम इनके अंदर कोई भी एक चमचा ले लेंगे एक नाप का और इसके अंदर 1/2 से कम ये पेस्ट डाल देंगे ताकि केक फूले तो वो बाहर ना गिरे। तो सारे कप्स मैंने भर लिए हैं यहाँ पर। अब सभी कप को थोड़ा थोड़ा हिला देंगे ताकि पेस्ट बराबर हो जाए। अब हम यहाँ पर कोई भी थाली या प्लेट ले लेंगे, बराबर होनी चाहिए, इसके ऊपर तो सभी कप को रख देंगे। यह है हम कढ़ाई के अंदर बनाएंगे कपकेक्स। अब जो हमारा पेस्ट बचा है उसको भी डालेंगे किसी भी केक टिन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने केक टिन ले लिया है, आपके पास कोई कैसा भी केक टिन हो आप उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर बटर पेपर लेंगे, कैसा भी पेपर ले लेंगे। इसके बाद में ये जो केक टिन है इसको ऊपर रख देंगे, पेन से लाइन खींच देंगे, कट करेंगे तब एकदम अच्छे से कट हो। अब सीजर से कट कर लेंगे। तो पेपर मैंने कट कर लिया है, अब हम टिन के अंदर रख देंगे और इसके ऊपर ब्रश की सहायता से घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद में इस पेस्ट को डाल देंगे, जितना भी बचा है सारा आ जाएगा इस टिन में। लेकिन केक टिन हमारा जो है इसमें पेस्ट आधा ही आना चाहिए ताकि फूलने में आसानी हो, बाहर ना गिरे। अब हम थोड़ा सा हिला देंगे, बराबर कर देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने नीचे नमक बिछा के रखा है, कढ़ाई रख दी गैस के ऊपर और ऊपर स्टैंड रखा है, आप कटोरी भी रख सकते हैं। अब कप केक्स वाली जो प्लेट है वो रख देंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट के बाद में चेक करेंगे, फ्लेम लो रखेंगे। अब चलते हैं ओवन की तरफ। तो यहाँ पर ओवन मैंने पहले से प्री हीट करके रखा है, केक टिन रख देंगे।
टाइम मैंने यहाँ पर 25 मिनट लगाया है 180 डिग्री पर। अब चलते हैं कढ़ाई वाले जो कपकेक्स हैं उसको चेक करने के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम टूथपिक की सहायता से देखेंगे कि ये पक चुके हैं क्या। तो केक हमारे अच्छे से पक चुके हैं, टूथपिक सूख गया ये। अब हम इनको ठंडा होने के बाद हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये केक बाहर निकल गया है, ये बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है। अब चलते हैं ओवन की तरफ, जो ओवन में केक रखा है उसको हम चेक करेंगे। तो 25 मिनट हो चुके हैं, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे और टूथपिक से चेक कर लेंगे। तो ये अच्छे से पक चुका है, ये बहुत ही अच्छा सा पका है, लेकिन मैंने थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा दे दी इसको, इसलिए थोड़ा ये ब्राउन ज़्यादा हो गया। और केक को ठंडा होने के बाद ही बाहर निकालेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। तुम्हारा मावा केक बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स दोस्तों, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।